हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 सी टू 80 यू, और लास्ट क्लास में बेटा हमने दो सेक्शन किए थे, 80 डबल क्यू बी एंड 80 डबल आर बी। दोनों ही सेक्शन बेटा किससे रिलेटेड थे? रॉयल्टी से, रॉयल्टी इनकम से रिलेटेड। और आज की क्लास में दो बेटा हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन करने हैं, जो बेटा एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, सेक्शन 80 डबल टी ए एंड सेक्शन 80 डबल टी बी, विच आर रिलेटेड टू डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो चलिए बेटा दोनों सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं, एक साथ करेंगे दोनों सेक्शन। दोनों सेक्शन बेटा आपस में काफ़ी सिमिलर से हैं, तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन 80 डबल टी ए के बारे में और फिर बात करेंगे 80 डबल टी बी के बारे में। सेक्शन 80 डबल टी ए के बारे में बेटा सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब यहाँ बेटा आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल में सीनियर सिटीजन के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि ये सेक्शन बेटा सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी एज बिलो 60 हो, ठीक है। और साथ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी बेटा ये सेक्शन एप्लीकेबल है, यानी कि अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेक्शन 80 डबल टी ए का बेनिफिट लेना चाहती है तो उसे भी बेटा ये बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, सेक्शन 80 डबल टी ए का बेनिफिट लेने के लिए इंडिविजुअल या एचयूएफ, वो बेटा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। रेजिडेंट का मतलब बेटा ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तीनों ही केसेस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब ये आता है कि इस सेक्शन में अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कौन से इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट इनकम का बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इन ए बैंक, यदि आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है या किसी कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो सबसे पहले तो बेटा उसको अदर सोर्सेज हेड में दिखाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? अदर सोर्सेज हेड में। और बाद में बेटा सेक्शन 80 डबल टी ए में उसकी डिडक्शन भी देंगे, यानी कि इसका ट्रीटमेंट बेटा दो जगह पर होगा, एक बार ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हुए जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड बनाएंगे तो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की इनकम को कौन से हेड में शो किया जाएगा? अदर सोर्सेज हेड में। और दूसरी बार बेटा इसको जब आप टोटल इनकम निकालेंगे जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो अंडर सेक्शन 80 डबल टी ए इसकी डिडक्शन दी जाती है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन बेटा है 10,000, ठीक है जी, 10,000 रुपये की बेटा डिडक्शन दी जाएगी। जितना सपोज कीजिए, मान लीजिए मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट है और मेरे सेविंग अकाउंट पे पूरे साल में 6,000 रुपीज इंटरेस्ट डिपॉजिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो जितना इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसका कंपैरिजन कर लेंगे 10,000 के साथ, विच एवरेज लेस, तो 6,000 और 10,000 विच एवरेज लेस बेटा 6,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये तो बेटा हो गया सेक्शन 80 डबल टी ए के बारे में। दूसरी बात, दूसरा सेक्शन हमारा है सेक्शन 80 डबल टी बी। ये सेक्शन बेटा ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स है, सीनियर एंड वेरी सीनियर, वेरी सीनियर को सुपर सीनियर भी बोल देते हैं, जिनकी एज बेटा 60 ईयर या 60 ईयर से अबव हो चुकी है, कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में, उनको बेटा हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में डालते हैं, और जिनकी एज 80 या 80 अबव है उनको सुपर सीनियर। तो दोनों ही बेटा इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, बट इस सेक्शन के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन जो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं वो रेजिडेंट होने चाहिए, यदि वो नॉन रेजिडेंट हैं तो वो बेटा इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो दूसरी कंडीशन बेटा ये है, मस्ट बी रेजिडेंट। और तीसरी बात, इस सेक्शन में बेटा जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट वो सेविंग अकाउंट का भी हो सकता है, एफडी अकाउंट का भी हो सकता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी अकाउंट हो, ठीक है जी, किसी भी तरीके की कोई भी इनकम हो जो इंटरेस्ट की इनकम है उसके ऊपर बेटा ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी, सेविंग अकाउंट और एनी अदर इंटरेस्ट इन ए बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक।
और मैक्सिमम अमाउंट बेटा जो इस सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं दैट इज रुपीज 50,000 अंडर सेक्शन 80TB, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम्ड बाय ए सुपर सीनियर और सीनियर सिटीजन इज रुपीज 50,000। ठीक है, तो ये बेटा दोनों सेक्शन हमने कैसे अप्लाई करने हैं, इनको किस तरीके से यूज किया जाएगा, अब उसके ऊपर बेटा हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। और देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है इसमें, एक क्वेश्चन है बेटा एग्जांपल नंबर 37। चलिए इसे रीड करते हैं, ये बेटा आपकी बुक में से नहीं है, किसी दूसरी बुक में से है। चलिए पढ़ते हैं, अभी तक जितने भी सेक्शंस हमने किए हैं उन सब से रिलेटेड आज है बेटा हमने प्रैक्टिस करनी है, आज मैं बहुत सारे सम आपको करवाने वाला हूँ। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जे हु इज ए फिजिकली हैंडीकैप। आप सभी बेटा चैट बॉक्स में साथ में रिप्लाई करेंगे जहां पर भी मैं आपको बोलूंगा। चलिए देखिए क्या कहता है, मिस्टर जेड हु इज ए फिजिकली हैंडीकैप। यहां पर बेटा सबसे पहली बात क्या लिखी है, देखिए इस सब में जो असेसी है मिस्टर जे, हाँ जी बेटा सबसे पहली बात लिखी है वो फिजिकली हैंडीकैप है और उसकी हैंडीकैप की परसेंटेज दी हुई है 85%, यानी कि अबव 80 मैंने बताया था बेटा उस हैंडीकैप को क्या बोलते हैं, सीवियर डिसेबिलिटी। तीन कैटेगरी बेटा बताई थी, 0 to 40%, 40% से अगर कम है तो उसे डिसेबल ही नहीं माना जाता, उस केस में कोई डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर 40 टू 80 के बीच में है तो डिसेबल, और 80 से भी ज़्यादा है तो सीवियर डिसेबिलिटी। तो यहाँ 85% गिवन है तो सीवियर डिसेबल की कैटेगरी में आ जाएगा, और असेसी खुद हैंडीकैप हो तो कौन से सेक्शन में बेटा डिडक्शन बनती है बताइए, चैट बॉक्स में लिखो। अगर असेसी बेटा खुद हैंडीकैप है या खुद डिसेबल है तो कौन से सेक्शन में डिडक्शन पाने का राइट है उसको। वेरी गुड, बिल्कुल सही रिप्लाई आ रहा है, सेक्शन 80U। चलिए अब बेटा बात करते हैं उसकी इनकम कौन सी है, टैक्सेबल सैलरी फ्रॉम ए पब्लिशिंग हाउस फॉर वर्किंग एज एन आर्टिस्ट 96,000 की उसकी इनकम है, सैलरी इनकम, वो कहीं पर जॉब करता है किसी पब्लिशिंग हाउस में। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ पेंटिंग मेड बाय इटसेल्फ, ये बेटा उसका पेंटिंग का खुद का बिजनेस है, पेंटिंग वो बनाता है और पेंटिंग बना के बेचता है, 3 लाख रुपए की इनकम वहां से हुई है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी से 60,000, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 10,000। अच्छा जी, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, FD करवाई हुई है एक बैंक के अंदर 7 ईयर्स के लिए, 10,000 रुपीज़ की FD है। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ हाउस टेकन ऑन रेंट बाय हिम, उसने बेटा एक मकान किराए पर दिया हुआ है जिसका 50,000 रुपये वो किराया चुकाता है, और डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इन कैश 4,000। हाँ जी बेटा अब ध्यान से सुनिए, जो FD है, FD जो उसने 7 ईयर FD है, ये सेक्शन 80C में आती है, इसकी डिडक्शन 80C में मिलेगी। 5 साल से बेटा ज़्यादा की FD हो, 5 या 5 से ज़्यादा साल की FD हो तो उसकी डिडक्शन मिलती है 80C में। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ हाउस, इसकी डिडक्शन बेटा मिलेगी 80GG में, आपको अभी 2 दिन पहले ये सेक्शन करवाया मैंने 80GG। और डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये वैसे तो बेटा 80G में आता है बट इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि इन कैश लिखा हुआ है। मैंने बताया था 2,000 रुपये से ज़्यादा का दान हो, 2,000 रुपये से ज़्यादा का दान आप कैश में नहीं दे सकते, अमाउंट चेक करो पहले, अमाउंट 4,000 है, 2,000 से ज़्यादा हो गया तो क्या इसकी बेटा डिडक्शन दी जाएगी 80G में, इसकी 80G में कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। अच्छा लास्ट में क्या कहता है, इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द ईयर दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, मिस्टर जेड जो है वो बेटा कैंसर से पीड़ित है और उसने 30,000 रुपये खर्च किए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हाँ जी बेटा ये वो हो गया दमदार बीमारियाँ, दमदार बीमारियों का बेटा सेक्शन 80DB, वहाँ पे डिडक्शन मिलेगी और 10,000 रुपये का उसको एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट भी मिला। चलिए तो एक बेटा हमारे माइंड में क्वेश्चन की इमेज बन गई कि हमें क्या करना है, बस कंडीशन ये है कि आपको सारे बेटा रूल्स याद होने चाहिए तब आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं, हमें करना क्या है, कैलकुलेट टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो टोटल इनकम कैलकुलेट करने से पहले बेटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे बताओ, पहले तो GTI निकालेंगे। लो बेटा ऊपर हम हेडिंग तो यही डाल लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ
टोटल इनकम, वो बेटा लिख लीजिएगा फॉर द प्रीवियस ईयर जो भी है। अब सबसे पहली इनकम बेटा कौन सी लेंगे, देखिए सबसे पहली इनकम हम लेंगे सैलरी हेड की इनकम। तो मिस्टर जे की सैलरी इनकम बेटा क्या आपको गिवन है, टैक्सेबल सैलरी लिखा हुआ है। टैक्सेबल सैलरी का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल सैलरी का मतलब है आफ्टर आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा ऑलरेडी लेस की हुई है। अगर ग्रोस सैलरी लिखा होता, ग्रोस सैलरी का मतलब है आपको डिडक्शन लेस करनी है, तो यहाँ बेटा सैलरी इनकम सीधा लिख दीजिए 96,000, इसमें से 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं होगी। अच्छा फिर बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन एड, बिजनेस एंड प्रोफेशन एड की इनकम आपको दी हुई है 3 लाख, 3 लाख रुपये बेटा ये हो। फिर आ जाओ अदर सोर्सेज हेड, अदर सोर्सेज हेड में बेटा ये आएगा लॉटरी 60,000 रुपीज़, तो लॉटरी की इनकम है। लो बेटा इसको सेपरेट दिखा लेते हैं, लॉटरी की इनकम है 60,000 और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड बेटा टैक्सेबल होता है, डोमेस्टिक कंपनी का एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ लिख दीजिए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो तो फुली टैक्सेबल, डोमेस्टिक कंपनी का बेटा एग्जम्प्ट होगा। चलिए और देखो बेटा और कोई इनकम, और बेटा कोई इनकम नहीं है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, ये जीटीआई आ गई हमारी, तो जीटीआई बेटा कितनी आ गई, हाँ जी बेटा 3,96,000+60, हाँ जी बेटा 3,70,000 तो बेटा ये हो गया, और 370 में बेटा 96 और ऐड कर लीजिए, 4,66,000, ये बेटा 4,66,000 आ, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब बेटा लेस करेंगे डिडक्शंस, अब हमें डिडक्शंस माइनस करनी, तो डिडक्शंस माइनस कौन सी होंगी अंडर सेक्शन 80C-80U, चलिए वन बाय वन बेटा बात करते हैं। सबसे पहले हम 80C की बात करेंगे, सबसे पहला सेक्शन हमारा है 80C, 80C सेक्शन की डिडक्शन बेटा ये दी हुई है 10,000 रुपीज़ फिक्स्ड डिपॉजिट FD, तो 10,000 और 1,50,000, 10,000 का कंपेरिजन करेंगे 150, विच एवरेज लेस 10,000। 80C के बाद बेटा नेक्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा बनेगा, और देखिए एक बेटा बन रहा है 80DB, 80DB में दमदार बीमारियां 30,000 उसने कैंसर के ट्रीटमेंट पे खर्चा किया। और बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, अंडर सेक्शन 80DB जितना भी पैसा खर्च किया जाता है, आप वर्किंग नोट बनाओगे यहाँ पे डिडक्शंस के बेटा वर्किंग नोट बना लीजिएगा। लो मैं बनाता हूँ आपके लिए, लो बेटा मैंने ये स्पेस वर्किंग नोट के लिए रिजर्व कर दिया। देखिए हाँ जी बेटा, लो जी सेक्शन 80DB, सेक्शन 80DB में डिडक्शन बेटा किसकी मिलेगी 30,000, बट इस 30,000 का बेटा पहले कंपैरिजन करोगे, कितने से कंपैरिजन होगा बताओ। हाँ जी बेटा 80DB में मैंने बताया था कंपैरिजन होगा 40,000 के साथ, और विच एवरेज लेस, अगर सीनियर सिटीजन होगा तो 60,000 के साथ। तो यहाँ बेटा चेक करो, मिस्टर जे सीनियर सिटीजन तो नहीं है, मिस्टर जे ने अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया है, और चेक करो कि वो सीनियर से कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसे बेटा सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे, बिलो 60 मानेंगे, तो 40,000 के साथ कंपैरिजन होगा। अगर सीनियर सिटीजन हो तो 60,000 के साथ होता है, और लेस रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, हाँ जी बेटा अमाउंट रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर से बेटा कितना पैसा मिल गया, एम्प्लॉयर से मिला है जी 10,000, तो वो बेटा माइनस कर देंगे, तो 20,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80DB। तो यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ 20,000। लो ये वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 80DB का ये अमाउंट कैसे आया, आप एग्जामिनर को बताओगे कि वर्किंग नोट मैंने 1 बनाया हुआ है। चलिए अब बेटा नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है आपका 80DB के बाद, अब बेटा बात करते हैं अंडर सेक्शन 80U, ठीक बेटा हमारा 80U सेक्शन है। 80U में फिजिकली डिसेबल्ड है और सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में बेटा कितने अमाउंट की डिडक्शन होती है बताइए, 1,25,000, ठीक
ठीक है जी, 75,000 एंड 125 होती है। 75,000 की तब होती है जब डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40 और 80 के बीच में हो, तो यहाँ तो 80% से ज़्यादा है, तो सीवियर डिसेबिलिटी 125, ये फिक्स अमाउंट है। हाँ जी बेटा, फिक्स अमाउंट है, पैसा चाहे उसने कम खर्च किया हो चाहे ज़्यादा खर्च। अब आ जाइए और बेटा देखो, सेक्शन 80C हो गया हमारा, 80, अब 80GG बेटा रह गया, एक सेक्शन हमारा 80GG है, चलिए इस पे आ जाते हैं। तो 80GG सेक्शन, इसमें बेटा रेंट की डिडक्शन मिलती है। तो पहले कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या होती है, ये डिडक्शन किसको मिलती है, एक इंडिविजुअल को जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो बट उसे अपने एम्प्लॉयर से HRA ना मिल रहा हो। तो यहाँ बेटा देखो, एम्प्लॉयड है पहली बात तो उसको सैलरी मिल रही है, बट क्वेश्चन में कहीं भी HRA नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स, हाँ जी बेटा, इसको सेक्शन 80GG में डिडक्शन पाने का राइट है या नहीं है, ये एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई हु इज नॉट गेटिंग HRA, तो इसको बेटा सेक्शन 80GG में डिडक्शन दी जाएगी। इसमें मैंने आपको तीन पॉइंट्स लिखवाए थे, सबसे पहला पॉइंट क्या था, हाँ जी बेटा, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे, एक्चुअल रेंट पेड बेटा दिया हुआ है, हाँ जी बेटा, कितना रेंट वो पे कर रहा है, 50,000, और 10% ऑफ GTI बेटा कैसे निकालते हैं, GTI होती है जितनी आपकी GTI है 4,66, इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर देंगे वो है नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेटा माइनस करेंगे वो भी नहीं है, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और फिर क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C-80U एक्सेप्ट 80GG, 80GG को छोड़कर बेटा जितनी भी डिडक्शन बनती है वो माइनस कर देंगे। तो वो कौन कौन सी है, 125,000, इन तीनों का बेटा टोटल कर लो, 10,000, 20,000 और 125 का टोटल बेटा कितना बनेगा, 125 और 20 हो गया 145, 145 और 10 155, लो बेटा 155,000 पे हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है नहीं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है। हाँ जी बेटा, ये हो जाएगा 50,000 और माइनस बेटा 311,000 का 10%, 31,100, ये बेटा माइनस करेंगे 50,000 में से 31,100 रुपये, तो बेटा ये आ जाएगा 50,000 माइनस 31,100, 18,900, लो बेटा ये अमाउंट बनेगा। और सेकंड पॉइंट क्या था, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI बेटा हमारी आई है 311,000, 311,000 का बेटा 25% करेंगे 14, अट्ठाईस, ये बेटा बनेगा 70,000 बेटा, कुछ आएगा ज़्यादा ही आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और तीसरा बेटा कैलकुलेट करके बेटा बताओ चैट बॉक्स में कितना आ रहा है, 77,000 कुछ आएगा। और थर्ड नंबर पे था 5,000 पर मंथ को बेटा इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, तो इन तीनों में विच एवरेज लेस देख लो, इन तीनों में बेटा विच एवरेज लेस बनेगा 18,900, तो 18,900 की बेटा यहाँ डिडक्शन माइनस कर देंगे हम, लो बेटा कर दिया मैंने 18,900, तो इनका बेटा टोटल कर लीजिए, जो भी टोटल करके आएगा वो आप 4,66,000 में से माइनस कर देंगे और ये बेटा हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है जी, ये टोटल इनकम बेटा कैलकुलेट कर लो, जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस सेक्शन में ये ध्यान रखना, इसकी बेटा इसके लिए नोट लिख देना, PM नेशनल रिलीफ फंड में जो 4,000 का कंट्रीब्यूशन है, डोनेशन है, इसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी, बिकॉज द अमाउंट एक्सीड ₹2,000, 2,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है तो उसकी डोनेशन बेटा कैश में आप नहीं दे सकते। हाँ, अगर बाय चेक लिखा होता या बाय नेट बैंकिंग लिखा होता तो उस केस में बेटा हम डिडक्शन दे देते, कितने की, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ पे 100% की होती है, 4,000 का 100%, 4,000 रुपीज़ की डिडक्शन उसे मिल जाती है, बट अब इस क्वेश्चन में बेटा उसे कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी, बताइए क्लियर है, ये बेटा हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे मूव करते,
जी बेटा ये सम देखिए, इस सम में बेटा क्या कहते हैं, द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिसिज हीना, मिसिज हीना हेमा की ग्रोस टोटल इनकम दी हुई है 8 लाख, ठीक है जी। शी हैज मेड द फॉलोइंग डोनेशंस बाय चेक, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, 50,000। गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड 20,000। प्राइम मिनिस्टर नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड 15,000। राजीव गांधी फाउंडेशन 30,000। कंप्यूट हेमा टोटल इनकम, हेमा की टोटल इनकम निकालनी है। इफ हर इनकम, हेमा की इनकम में 5,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है और 50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शी हैज पेड टू जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹4,000 बाय चेक। हाँ जी बेटा, उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट किया है 4,000 एंड 6,000 फॉर LIC पेंशन फंड। LIC पेंशन फंड की डिडक्शन बेटा होती है 80CCC में और मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन बेटा मिलती है 80D में। चलिए तो इस क्वेश्चन को बेटा स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, बिल्कुल इजी है। हमें हेमा की टोटल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा हेमा की GTI कितनी है। GTI बेटा आपको गिवन है, GTI में यहाँ बेटा मैं लिख लेता हूँ 8 लाख और इंक्लूडिंग इसके अंदर बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है। हाँ जी बेटा, इंक्लूडिंग 5,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लो ये इंक्लूड है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 80CCC। 80CCC में उसने ₹6,000 कंट्रीब्यूट किए हैं LIC पेंशन फंड, तो LIC पेंशन फंड के लिए कितना अमाउंट मैक्सिमम होता है, 1,50,000। तो इसका बेटा कंपैरिजन कर लेंगे तो 6,000 की डिडक्शन ये बनेगी। उसके बाद बेटा हम करेंगे अंडर सेक्शन 80D। 80D में बेटा डिडक्शन किसकी मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और चेक से पेमेंट होनी चाहिए और चेक से ही पेमेंट है, 4,000 और ₹25,000 विच एवरेज लेस, तो 4,000 की बेटा ये डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद बेटा हमने डिडक्शन देनी है अंडर सेक्शन 80G। 80G में बेटा जो डिडक्शन बनेगी उसके लिए पहले ये देखना है कि कौन कौन से अमाउंट क्वालिफाई करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बेटा ये क्वालिफाइंग अमाउंट में आएगा और विदाउट लिमिट में। गुजरात अर्थक्वेक फंड ये भी बेटा विदाउट लिमिट में आता है। ड्रॉट रिलीफ फंड ये भी विदाउट लिमिट, और राजीव गांधी फाउंडेशन सारे ही बेटा विदाउट लिमिट में आते हैं। विद लिमिट वाला एक भी अमाउंट नहीं दिया होगा, विद लिमिट वाला बेटा अमाउंट ना दिया हो तो समझ लेना क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि विद लिमिट के लिए हमारा एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, अलग से कंपेरिजन करना होता है एडजस्टेड GTI के साथ, वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना। तो ये तो बेटा ईजी हो गया हमारे लिए। नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड के ऊपर बेटा 100% की डिडक्शन होती है। गुजरात अर्थक्वेक फंड बेटा इसके ऊपर भी 100%। PM ड्रॉट रिलीफ फंड पे बेटा बताओ चैट बॉक्स में लिखो कितने परसेंट की होगी, वेरी गुड 50%। और राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तीनों के केस में कितना होता है, 50। लो बेटा कर दो जो जो अमाउंट आपको दे रखे हैं। हाँ जी बेटा, 50,000 का 100% करेंगे 50,000, 20,000 का 100% 20,000, 15,000 का 50% 7,500 और 30,000 का 50% 15,000 बेटा ये रहे। लो बेटा टोटल कर दो, 50 और 20 70 और 15 85 और 75 100, 92,500, 92,000 92,500 ये बेटा अमाउंट बनेगा हमारा, ये 80G की डिडक्शन आ गई। और बेटा कोई डिडक्शन है नहीं, चेक करो जी मिसिज हेमा कहीं हैंडीकैप तो नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, अगर होती तो बेटा 80U की डिडक्शन मिल जाती। चलिए तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 6,410, 1,02,500, 8 लाख में से बेटा 1,02,500 माइनस करेंगे तो 6,97,500,
ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, और यही बेटा हमारा आंसर है। देखो आंसर भी ये गिवन था, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर, बताइए क्लियर है। चलिए बेटा एक सम और लेते हैं, बहुत बेटा इंटरेस्टिंग सम है, आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको बहुत मजा आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हाई हो जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट टू चैप्टर जो मैं आपको करवाने वाला हूँ उसमें बेटा यही डिडक्शंस वगैरह इनका यूज होगा, और सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, उसके भी बेटा थोड़े से रूल्स पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। देखो बेटा क्या कहते हैं, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ श्रीमती बी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सैलरी इनकम बेटा गिवन है 6 लाख। लो बेटा लिख लेते हैं, सैलरी इनकम कंप्यूटेड, कंप्यूटेड का मतलब है, कंप्यूटेड का बेटा मतलब है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की जा चुकी है। शी डिपॉजिटेड 60,000 इन पीपीएफ, पीपीएफ बेटा ATC में आता है। अच्छा उन्होंने मकान बनाने के लिए कोई लोन लिया था, उसकी किस्त चुकाई, ये भी बेटा ATC में आएगा। 5,000 टू पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को दिए, ये बेटा कौन से सेक्शन में आता है बताओ, ATGGC, तो ये ATC का पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट है शी डोनेटेड बुक्स, उसने बुक्स डोनेट की, तो ये बेटा डोनेशन इन काइंड है, डोनेशन इन काइंड कहीं भी नहीं आता, नॉट अलाउड। शी पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा 6,000 रुपीज उसने कैश में पे किया है, इन कैश। वैसे तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन कौन से सेक्शन में आती है, ATD में, बट इस केस में ये भी नहीं दी जाएगी, ATD भी बेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। लो जी फिर तो बेटा इस समय कुछ बचा ही नहीं। लो जी सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सैलरी इनकम, सैलरी इनकम बेटा कितनी है 6 लाख, और कोई इनकम बेटा है नहीं, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, सैलरी इनकम ही GTI हो जाएगी। और लेस डिडक्शंस, डिडक्शन बेटा सबसे पहले 80C की माइनस कर दें, 80C में ये भी PPF और 60 और 50, 110, 1,10,000 का कंपैरिजन करेंगे 150 के साथ, विच एवरेज लेस, हाँ जी बेटा दोनों में जो भी लेस होगा तो 110 आ गया, 110 तो बेटा ये होगा। एक बेटा हमारी डिडक्शन बन रही है अंडर सेक्शन ATGGC, पॉलिटिकल पार्टी को जो पैसा दान दिया है, किसने दिया, श्रीमती बी ने, इंडिविजुअल, कंपनी को, कंपनी होता तो बेटा ATGGB आता है, तो यहाँ तो इंडिविजुअल की बात चल रही है, तो ATGGC सेक्शन अप्लाई होगा। और पॉलिटिकल पार्टी के केस में मैंने बताया था 1 रुपया भी अगर आपने दान देना है तो वो बेटा कैश में नहीं दे सकते, तो यहाँ पेमेंट किससे हुई है, चेक से, तो 5,000 का 100%, 5,000 का 100%, 5,000 ये लो बेटा बस, और कोई डिडक्शन नहीं है, तो 6 लाख में से बेटा 110 और 1,15,000 हो गया, 1,15,000, तो ये माइनस कर देंगे, 4,85,000, दिस विल बी आवर आंसर, टोटल इनकम बेटा आ गई है हमारी 4,85,000, बताइए क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं, हाँ जी बेटा देख ये बेटा जो सम है, कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, यहाँ बेटा 2021 कर लेना और प्रीवियस ईयर 1920। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी हेड से बेटा कितने की इनकम हुई है, 120 की। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 60,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 220, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 110, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C-80U। हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, देखो तो पहले बेटा GTI निकाल लेते हैं, GTI में देखो कौन कौन, देखो सैलरी हेड की इनकम, सैलरी इनकम बेटा हमें दे रखी है 120, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम बेटा है कितनी 60,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2,20,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A
1,10,000 ये बेटा ओके। और विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, हाँ जी बेटा, कार्ड गेम्स की जो इनकम है अदर सोर्सेज हेड में आ जाएगी, कार्ड गेम्स आएगा अदर सोर्सेज हेड, तो 90,000। लो बेटा एक बार इनका टोटल कर लीजिए, जीटीआई निकाल लेते हैं। जीटीआई बेटा कितनी बनेगी, 1,20,000 और 60, 1,80, 1,80 और बेटा 2,20, 4 लाख, 4 लाख और बेटा ये हो गया 2 लाख, बेटा ये हो गया 6 लाख, हो गया 6 लाख रुपीज हमारी टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से डिडक्शन माइनस करनी है, डिडक्शन का बेटा टोटल दिया हुआ है 80C से लेकर 80U तक की जितनी भी डिडक्शन है उनका टोटल दिया हुआ है 2 लाख। अब ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शन है वो मैंने आपको वेरी फर्स्ट स्टेप बताया था किस किस में से लेस नहीं हो सकती। सेक्शन 80C से 80U की डिडक्शन, एक तो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से अलाउड नहीं है, इसमें से लेस नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में से लेस नहीं हो सकता, इसमें से बेटा डिडक्शन लेस नहीं। और कैजुअल इनकम जो आपकी कार्ड गेम्स की इनकम है इस क्वेश्चन में, उसमें से भी लेस नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शन है 2 लाख रुपए की, इसका टोटल आ रहा है, तो ये आप सिर्फ किस में से माइनस कर सकते हो, इसमें से बेटा माइनस कर नहीं सकते, इसमें से माइनस कर नहीं सकते, इसमें से तो सिर्फ इन दोनों में से माइनस कर सकते हो। और इन दोनों का टोटल कितना है, 1,20 और 60 का बेटा टोटल करो, इन दोनों का टोटल ही 1,80 है। और एक बात मैंने आपको और बताई थी, सेक्शन 80C to 80U की डिडक्शन का टोटल उस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता जितने अमाउंट में से ये लेस की जा सकती है। कितने अमाउंट से लेस की जा सकती है, 180 में से, 1,80,000 में से लेस हो सकती है ये, बट इनका टोटल ही कितना आ रहा है, 2 लाख। तो यहाँ पे ध्यान रखना, डिडक्शन केवल 1,80 की बेटा मिलेगी। रीजन क्या है, 1,80, बाकी 20,000 की डिडक्शन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि 20,000 बेटा जो बच गए वो ना तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हैं ना शॉर्ट टर्म, क्योंकि अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जितनी भी डिडक्शन है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से अलाउड करने की परमिशन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि इसका पहले ही कंसेशनल रेट है 20%, टैक्स का रेट कम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वैसे ही टैक्स का रेट 15 है, और कार्ड गेम्स के ऊपर नो डाउट टैक्स का रेट ज्यादा है, बट गवर्नमेंट जो है इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करना चाहती। जो जिसका जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, चांस पे या लक पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन इन तीनों में से बेटा कभी भी माइनस नहीं की जा सकती, तो जिस अमाउंट में से माइनस की जा सकती है उसका टोटल कर लो, और उससे बेटा ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ 2 लाख रुपये बनता है, तो 1,80 ही माइनस करेंगे, तो 6 लाख में से 180 गया, 4,20,000 ये बेटा हमारी आंसर आएगा टोटल इनकम जिस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको बेटा चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए अब बेटा एक सम और कर लेते हैं और फिर हमारी क्लास को हम ओवर कर, देखो बेटा क्या कहता है जी। मिस्टर ए जिसकी एज कितनी है, 61 ईयर्स, हैज अर्नड ए लॉटरी इनकम, उसकी बेटा लॉटरी इनकम है 1,20,000 ग्रॉस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट ईयर, बेटा कर इसको प्रीवियस ईयर कर लेते हैं और असेसमेंट ईयर हमारा हो जाएगा 2021। ही हैज ऑल्सो इंटरेस्ट इन एफडी, 30,000 का उसको एफडी पे इंटरेस्ट मिला। ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इन पीपीएफ एंड 24,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, व्हाट इज द टोटल इनकम। हाँ जी बेटा देखो कैसे करेंगे, हाँ जी बेटा यहाँ पर सबसे पहले लिखिए लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम बेटा कौन से हेड में आती है, अदर सोर्सेज हेड में लॉटरी इनकम बेटा लिख लीजिए। लॉटरी की इनकम है 1,20,000 और इंटरेस्ट होने एफडी, एफडी पे ब्याज बेटा मिला 30,000, और कोई इनकम बेटा है ही नहीं, तो ये हो गया 1,50,000। अब ध्यान से सुनिएगा, लेस अब हमने करना है डिडक्शन। हाँ जी बेटा डिडक्शन लेस करेंगे, 10,000 रुपये तो बेटा उसने किसमें डाले हैं, पीपीएफ। अब ये देखो अंडर सेक्शन 80C की पहले बात करते हैं,
अंडर सेक्शन 80C में पीपीएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, और 24,000 में बेटा एनएससी ये भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 34,000 तो बेटा यही हो गए। अच्छा दूसरी बात, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और एफडी का ब्याज भी मिला उसको, तो एफडी का ब्याज बेटा जब कौन से सेक्शन में उसको डिडक्शन पाने का राइट है, 80TB, 80TB सेक्शन में 50,000 की डिडक्शन मिलती है, बट यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट ही कितना है, 30,000। तो 30,000 और 50,000 विच एवरेज है, 30,000 की बेटा ये डिडक्शन मिलेगी। तो दो सेक्शन है जिसके अंडर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, एक तो बेटा एफडी, एफडी का जो ब्याज है उसकी डिडक्शन मिलती है सीनियर सिटीजन को अंडर सेक्शन 80TB। मैं ये मान रहा हूँ कि एफडी बैंक या पोस्ट ऑफिस की है, चलिए। और साथ में जो पीपीएफ और एनएससी है इसकी डिडक्शन बेटा मिलती है कौन से सेक्शन में, 80C। तो टोटल मिला के उसको 64 की डिडक्शन पाने का राइट है, 64,000 बेटा माइनस होने चाहिए यहाँ पे, बट बी केयरफुल। हाँ जी बेटा बी केयरफुल, एक बार इसका टोटल अंदर की साइड कर लेना, क्योंकि अब ये चेक करो कि क्या डिडक्शन हम पूरे 1.5 लाख में से माइनस कर सकते हैं। हाँ जी बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि लॉटरी की इनकम में से तो डिडक्शन अलाउड ही नहीं है, लॉटरी की इनकम में से बेटा डिडक्शन आर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C। तो डिडक्शन किस में से माइनस होंगी, 30,000। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन का टोटल 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जबकि हमारा बन कितना रहे 64, तो यहाँ बेटा मैक्सिमम कितने रुपए माइनस हो सकते हैं, 30, इससे ज़्यादा माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि लॉटरी इनकम में से बेटा अलाउड ही नहीं है। तो आंसर हमारा 120 आ जाएगा, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए लो बेटा, तो आज बेटा जितनी भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं सब अच्छे क्वेश्चंस थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने आज अपनी बुक के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग एग्जांपल्स वो कर लेने। तो चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, ठीक है, बाय बाय।